आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना पैम्पर रूटीन। तो बेसिकली यू नो अभी जैसे कि फेस्टिव सीजन था तो यू नो बहुत भागा दौड़ी, मार्केट जाना, ये करना, वो करना। उसके बाद जब से मैं भोपाल से आई हूँ तब भी मतलब मेरा बहुत ट्रैवलिंग हो गया था, और मैं जब से आई हूँ तब से ना आई डिडंट टेक अ रेस्ट, मुझे प्रॉपरली रेस्ट नहीं मिला है। इधर उधर भागती रही। एंड इवन जब हम लोग थोड़े ट्रैवल स्पेसिस में भी गए थे तो टैनिंग मेरे को बहुत जल्दी चढ़ती है। तो लास्ट जो मैं क्रॉफर्ड मार्केट गई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जो सैंडल्स है, जो मैंने सैंडल पहना था, जबकि वहाँ पे भी सेम सनस्क्रीन जो मैं चेहरे पे लगाई थी वही मैंने लगाया था, और मेरे पैरों पे तो स्वेटिंग भी नहीं होती। जितना फेस पे मेरा ऑयली है उतना मेरा पैर स्वेट भी नहीं होता है, और नेक्स्ट डे जितना सैंडल है उतने जगह पर टैनिंग नहीं था, और आजू बाजू पूरा काला हो रखा है। तो कैन यू इमेजिन जो पैरों में ये हुआ है तो वो चीज़ मेरे फेस पे भी आई एम श्योर डैमेज किया होगा, क्योंकि कैमरे में इतना समझ में नहीं आता है टैनिंग है कि नहीं है, बट मुझे भी ऐसा फील हो रहा है दैट माई फेस बिकम्स लिटिल डल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपने बालों की भी हालत देखो आप कैसे हो रखी, जबकि मैंने अभी वो करवाया था तो भी मेरे बाल बहुत ही एकदम रद्दी टाइप के हो रखे हैं, तो भी मेरे बाल और मेरे बालों में ना डैंड्रफ भी हो रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आई डोंट नो, कैन यू सी दिस, ये दीज आर द डैंड्रफ, ये स्कैल्प पे, तो दिस इज द डैंड्रफ, ये ऐसे डैंड्रफ आ जाती है। तो अगर जैसे कल मेरा डे वॉश हेयर वॉश का डे था बट मैंने वॉश नहीं कर पाई तो मेरे बालों में ऐसे डैंड्रफ वापस आ जाती है। बहुत इंटेंस डैंड्रफ नहीं है बट ये डैंड्रफ रहती है ऑलमोस्ट, बिकॉज मैंने बताया था स्मूथनिंग का ये ड्रॉबैक होता है, ड्राई स्कैल्प हो चुकी है मेरी। मुझे अभी 2-3 दिन पहले ये मामा अर्थ का अनियन शैम्पू एंड अनियन कंडीशनर एंड मामा अर्थ का अनियन हेयर ऑयल एज वेल एज अनियन हेयर मास्क ये रिसीव हुआ है। एक्चुअली मैं मामा अर्थ का ये हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ करना चाहती थी बिकॉज इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, सारे प्रोडक्ट्स के उनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। तीनों के फ्रेंड्स आए हुए थे, दे आर आस्किंग मी कि कैसा है, तो मैंने बोला भाई अभी तक पैक्ड है, मैंने भी आप देख रहे हो इसकी पैकिंग तक है, ये पैक्ड है अभी तक, तो मैंने बोला अभी तक ये पैक्ड है, आई नेवर यूज्ड इट, और अब मैं यूज़ करूँगी तब मुझे 4-5 लोगों को इसको जेन्युइन रिव्यूज़ इसका देना है। तो सबसे पहले हम बालों का हेयर केयर स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक तो मास्क है मेरे पास जो कि ये है, कंडीशनर है और एक मास्क है, तो इस मास्क को लगाने के बाद भी मुझे सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना है, और उसके बाद इस ऑयल को लगाने के बाद भी मुझे शैम्पू यूज़ करना है, तो आई हैव कंडीशनर एज वेल। सो व्हाट आई डू इज मैं ऑयलिंग करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से ऑयल भी नहीं किया है। मास्क तो मैं आपको किसी और वीडियो में इसका रिजल्ट ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी मैं हेयर ऑयल लगाऊँगी, और हेयर ऑयल लगाने के बाद हम शैम्पू यूज़ करेंगे और कंडीशनर यूज़ करके देखेंगे। तो बेसिकली यू नो अनियंस काफ़ी अच्छा होता है, हम सबको पता है बालों के लिए, बट वो जो प्रोसीजर होता है अनियन को पूरा मैश करके और उसका निकालना एंड देन बालों पे लगाना, और वो जितना स्मेली प्रोसीजर होता है, उससे बचने के लिए आप अनियन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। नाउ वील सी कि ये उस तरह से वर्क करता है कि नहीं करता है। तो इसमें दिया हुआ है अनियन हेयर ऑयल विद अनियन ऑयल एंड रेड एंसिल्स, तो बेसिकली फॉर हेयर फॉल कंट्रोल, ये स्पेशली फॉर हेयर फॉल कंट्रोल है। तो हाँ बारिश के सीजन में मेरे बाल भी थोड़े से हेयर फॉल तो होता ही है ऑब्वियसली सबको। ये मिनरल ऑयल और सिलिकॉन फ्री है, हाइपो एलर्जेनिक है, मतलब ये कोई भी एलर्जीज इससे नहीं होती है, देन ये सूट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ हेयर। बताओ ये हमको पता ही है कि ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है मामा अर्थ का, वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ब्रांड, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरे को ये लाइन कहीं भी बहुत ही कम ब्रांड्स में सुनने को मिलती है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ब्रांड। और उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, अप्लाई अ फ्यू ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन स्कैल्प, तो या तो आप रात भर रख सकते हैं या फिर फ्यू आवर्स के लिए। तो मैं रात भर कभी अपना ऑयल नहीं रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 घंटे में भी वो वही काम करता है जो रात भर का काम करता है, तो वील कीप इट फॉर 2 आवर्स अभी। तो इस शैम्पू में अनियन एंड कैरेटिन मिला हुआ है, अगेन ये फॉर हेयर फॉल कंट्रोल है, पैराबेन SLS फ्री है, फिर वही सब चीज़ें जो मैंने पहले बताई वो है। और इसको यूज़ कैसे करना है, वो है कि अगर आप इसको ऑयल के साथ और कंडीशनर और शैम्पू के साथ यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स आएगा। 349 rupees का ये आता है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसमें मिलेगा। तो लेट्स सी कि इसकी फ्रेग्रेंस कैसी आती है। इसमें से कुछ अलग टाइप का आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, मुझे ना वैसी खुशबू आ रही है। तो जैसे आप ऑयलिंग करते हैं वैसे नॉर्मली आपको अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करते हुए ऑयल करना है सेक्शन बाय सेक्शन, तो जो भी आपका टारगेटेड एरिया है वहाँ पर अच्छे से ऑयलिंग करिए। मैं अपने फेस पे आऊँगी तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू डू स्क्रबिंग टू माई फेस, उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज़ होममेड स्क्रब।
तो फॉर माई स्क्रब आई एम यूजिंग हेयर राइस एंड मसूर दाल, तो ये बहुत ही अच्छा स्क्रब की तरह काम करेगा मेरे फेस में, और इसमें मैं लेमन जो है वो स्क्वीज करके मिला दूंगी, दैट्स इट, इतना ही मेरा पेस्ट रहेगा। तो ये काफ़ी डी टैन की तरह काम करता है और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है आपके फेस को, ग्लो आता है इससे। तो इस स्क्रब को हम फेस पैक की तरह अपने पूरे फेस पे लगाएंगे, तो ये इसी तरह की कंसिस्टेंसी में होता है, आप चाहे उसको थिक रखें या लिक्विडी रखें, ये ऐसे ही रहता है, मतलब ये बाइंड नहीं हो पाता है प्रॉपरली। तो अगर आप बेसन या चंदन पाउडर मिलाएंगे तो ये बाइंड हो जाएगा, बट ये फेस पैक नहीं है, इट्स लाइक अ स्क्रब। तो तब तक मैं बकेट में मैंने गर्म पानी ले लिया है और उसमें मैं सॉल्ट, बेकिंग सोडा और शैम्पू ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं अपने पैर डाल करके बैठूंगी, थोड़ा सा पेडीक्योर करूँगी, कुछ भी मैंने रब वब नहीं किया है, सिर्फ पैर डाल के बैठी हूँ। एंड देन यहाँ पर मैं ये स्पा कैप जो है ये बहुत ही अफोर्डेबल आती है, 700-800 की आती है, एंड डोंट वरी गाइज, दिस इज़ वेरी सेफ। मैं भले ही पानी में पैर डाल के बैठी हूँ बट स्टिल इट इज़ वेरी सेफ। और तब तक मैं मेरे पास वैक्स स्ट्रिप्स हैं जो ये मार्केट में मिलते हैं, उससे मैं अपने हाथों में वैक्स कर रही हूँ ताकि मेरा जो टैनिंग है वो भी निकल जाए। मैं यूजुअली रेजर करती हूँ, जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको ये चीज़ पता होगा। तो जितनी देर में मेरा वैक्स होगा उतनी देर में जो मेरा स्पा है, मतलब वो जो स्टीम है वो मेरे बालों में जाएगा, तो उसकी वजह से जो ऑयल है वो और अच्छी तरह से जो आपकी रूट्स है उसके अंदर जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग माय स्टीम स्पा कैप। हार्डली 5 मिनट्स में मेरा वैक्सिंग हो गया था, अब मैं अपने फेस पे स्टीम लूंगी, एंड देन उसके बाद जो नीडल होती है, जो ब्लैक हेड रिमूवर होता है, ये मार्केट में मिलता है, उससे मैं सारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स निकाल दूंगी। तो थोड़ा सा रेडिश होता है बट ये हाफ एन आवर में क्लियर हो जाता है। Hey guys, so I just took a shower and my hair is still wet, or let me just blow dry my hair because rainy season है और आज बारिश हो रही है, तो मेरे बालों को dry up होने में ही 4-5 hours लग जाएंगे, so I have to dry my hair artificially, so let me just blow dry it and then I'll show you। और तब तक मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, like बाकी सब कुछ तो हो गया, अब मैं सिर्फ टोनर लगाऊंगी एंड अपना मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। सो दिस इज़ माई हेयर जो पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं। एक्चुअली मेरी डांस क्लास स्टार्ट हो गई थी तो मैंने प्रॉपरली रिव्यू नहीं किया एकदम ड्राई करने के बाद, तो ऑलमोस्ट 2-3 आवर्स हो चुका है। तो ये है मेरे बाल, एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी केमिकली ट्रीटेड माई हेयर, तो आपको इतना डिफरेंस मेरे बालों में समझ में नहीं आएगा, बट जो एकदम स्लीक और चिपकू लुक हो जाता है ना मेरा शैम्पू के बाद भी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और एक और बेस्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ना इस पूरे रेंज में सबसे ज़्यादा फेवरेट ये कंडीशनर है, द रीज़न बिहाइंड दैट इज बिकॉज़ इस शैम्पू में तो हल्का सा ना अनियन का, मुझे ऐसा लगता है कोई एक जड़ी बूटी टाइप की फ्रेगरेंस है जो मेरी बहुत फेवरेट नहीं है, तो उस तरह की फ्रेगरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, माइल्ड सी है, बट ये जो कंडीशनर है इसकी फ्रेगरेंस इतनी सूदिंग और इतनी अच्छी है, और बालों पे लगाने का टेक्स्चर भी इसका इतना अच्छा था कि ये सब सारी जितनी भी ऑयल हमने ऑयल और ये सब लगाया ना, उस सबको ओवरकम कर दिया, मतलब इतनी अच्छी कोकोनट की खुशबू आ रही है, तो विच इज़ रियली गुड, और अभी भी आ रही है, 2-3 घंटे हो गए उसके बाद भी आ रही है। तो द बेस्ट पार्ट मुझे इस पूरी रेंज में सबसे ज़्यादा पसंद ये कंडीशनर आया है। ये जो रेंज है दिस इज़ फॉर हेयर फॉल कंट्रोल और काफ़ी अफोर्डेबल है। एज यू ऑल नो, आप जो बाकी ब्रांडेड शैम्पूज लेते हैं वो सब बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, तो प्राइस वाइज भी काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आपको और अच्छा इफेक्ट एंड रिस्पॉन्स चाहिए देन यू कैन definitely use this onion hair mask। इस मास्क के अंदर जो अनियन सीड ऑयल है वो आपके बालों की रूट्स पे जाके काम करता है और आपके बालों के जो रूट्स हैं उसको स्ट्रेंथनिंग देता है और हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। उसके बाद ये जो भी डैमेज हो जाता है आपके बालों में उसको रिपेयर करता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक बैम्बू विनेगर मिला हुआ है जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये जो भी इचीनेस, इरीटेशन होती है स्कैल्प में उसको ये क्लीन आउट करता है, साथ ही साथ आपके बालों को ये थिक एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ये नेचुरल है, टॉक्सिन फ्री है, हार्मफुल केमिकल, सल्फेट, पैराबेन, SLS सब फ्री है, इसमें मिनरल ऑयल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है और किसी भी तरह के कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। मैं आपको अपना स्कैल्प पास से दिखाती हूँ कैसा था। सो इट इज़ रियली वेरी 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 क्लीन, मैं आपको दिखाती हूँ रब करके भी, स्क्रैच करके भी, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई डैंड्रफ नहीं आया है।
तो एक वॉश में मेरी स्कैल्प काफ़ी क्लीन हो गई है, मेरे बाल काफ़ी क्लीन लग रहे हैं मुझे, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। और जो खुशबू और जो फ्रेग्रेंस आ रही है बहुत अच्छी सी कोकोनट की, वो भी आई एम लविंग इट। सो आई रियली लाइक दैट। और प्राइस वाइज डेफिनेटली इट्स वेरी 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 अफोर्डेबल। तो ये था मेरा पैम्पर रूटीन छोटा सा, आई होप यू आर लाइक इट और आप फॉलो कर सकते हैं। और प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन दिए होंगे। दैट्स इट फॉर माय वीडियो और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।